दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के एस चौहान ने हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर समस्त शहर वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने हनुमान जी का वर्णन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी है। दोस्तों, महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। अर्जुन जब तीर चलाता था कर्ण पे तो उसका रथ 5-6 कदम पीछे हो जाता था, और जब कर्ण चलाता था तो अर्जुन का रथ सिर्फ 1-1 कदम ही पीछे होता था। तो अर्जुन उस पर मुस्कुराते हैं, खुश होते हैं और कृष्ण को बोलते हैं, देखिए कृष्ण, मैं इससे भारी हूं, मैं इस पे ऊपर हूं। तो कृष्ण मुस्कुरा के बोलते हैं कि तनिक अपने ऊपर देखो, अपने ध्वज में देखो। तो वहां पर विराजे रहते हैं श्री हनुमान जी। कृष्ण बोलते हैं कि हम तभी ऊपर होते हैं जब हमारे ऊपर कोई होता है, हमारे ऊपर किसी का आशीर्वाद होता है। वैसे ही जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था तो कृष्ण बोलते हैं कि अब आप रथ से उतरिए अर्जुन को। तो वो अर्जुन उतरते हैं, कृष्ण उतरते हैं, उसके बाद हनुमान जी उतरते हैं। हनुमान जी के उतरने के बाद रथ में आग लग जाती है और अर्जुन बहुत ज्यादा भौचक्की हो जाते हैं कि और पूछते हैं कि ऐसा क्यों लग गई, आग क्यों लग गई। तो कृष्ण बोलते हैं कि आग तो बहुत पहले ही लग गई थी, इन संकट मोचन ने उस आग को संभाल के रखा हुआ था। ऐसे ही हमारे संकट मोचन, हमारे श्री हनुमान जी हमारी पूरी सृष्टि पे ऐसे ही कृपा दृष्टि बरसाते रहे, आशीर्वाद करते रहे। काज सवारे बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है टारो। देखी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तहारो। इस हनुमान जयंती की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।